जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। कि जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि हम लोगों ने सारी बायोलॉजी की सीरीज ख़त्म की, 700 प्लस क्वेश्चन की, उसमें से 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि हम लोग फिजिक्स ख़त्म होने के बाद उसको अपलोड कर देंगे। ये हमारा फिजिक्स का दूसरा पार्ट है। जिन्होंने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा हो वो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हमने वहाँ पर लिंक दे दी है। पहले पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ वेव्स चैप्टर की जितनी क्वेश्चन आई हुई थी प्रीवियस ईयर की वो सॉल्व किया था, और इस पार्ट में हम लोगों ने 250 प्लस क्वेश्चन लिया है जो कि हीट, थर्मोडायनेमिक्स, लाइट और साउंड से है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। 53 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहले पार्ट में देख रखा है वेव की लेक्चर में, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 54 से, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहा। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्म किसका यूनिट है? सबको पता होगा थर्म तो ये हीट का यूनिट है। आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज, क्यों सॉ डस्ट में पैक किया जाता है आइस को? क्योंकि सॉ डस्ट जो होता है पुअर कंडक्टर होता है हीट का। वाटर इज यूज इन हॉट वाटर बैग बिकॉज, क्यों? बिकॉज इट्स स्पेसिफिक हीट इज मोर। ए बॉडी एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज, कब वो एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? जब ब्लैक और रफ रहेगा तब। हीट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता हीट ऑफ रिएक्शन? ये पाथ वे विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड इस पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और फोर्थ पर डिपेंड करता है। इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट ऑफ हैंडपम्प इज हॉट बिकॉज, ठंड के दिनों में जो हैंडपम्प होता है उसके अंदर से गर्म पानी आता है, क्यों, उसका क्या वजह है? देखिए ऑप्शन पढ़िए क्या दिखा हुआ है, क्या होगा? बिकॉज इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। विच ऑफ द फ्लोइंग काउज मोर बर्न, कौन होगा? तो वो स्टीम। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन एनी टू सिस्टम डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा ये? डिपेंड करेगा देयर लेटेंट हीट पे। ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज नाउन एज, देखिए जहाँ भी हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट हमेशा ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं कन्वेक्शन। बर्न काउज्ड बाय स्टीम काउज मच मोर इरिटेशन देन दोज काउज्ड बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज, क्यों? बिकॉज स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कन्वेक्शन अकर इन विच ऑफ द फ्लोइंग, किसमें अकर करता है कन्वेक्शन? इट्स ओनली अकर, देखो तीन चीज में करता है, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में, तो लिक्विड और गैस, सॉलिड में नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंटेन हाईएस्ट स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन, किसका हाईएस्ट स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, ये कन्वेक्शन नहीं, ये एडवेक्शन बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर बोल रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर ना देकर सिर्फ ट्रांसफर ऑफ हीट दिया रहता तो कन्वेक्शन होता, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर दे रहा है तो एडवेक्शन होगा। ठीक है, जो करेक्ट कर लीजिएगा, सब हम लोग देख लिए थे ये रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड कॉन्टेंट द हाइएस्ट स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन, कौन सा हाइएस्ट स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन करता है? तो करता है अल्कोहल। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम, हॉटेस्ट पार्ट कौन है गैस फ्लेम का, सबसे कौन सा जोन होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट? तो होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। अर्थ इज ए, अर्थ क्या है? एक
गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, बैड ऑब्जर्वर ऑफ हीट है, गुड ऑब्जर्वर है या बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट है। तो अर्थ क्या है हमारा, बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट। व्हाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। देखिए ऑप्शन दिया हुआ, किसके वजह से होता है ये, क्यों होता है, क्योंकि लेयर ऑफ एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन टू शर्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन है ये जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो है माइका। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। किसका होता है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो किसका होगा, वाटर का। When hot water is sprinkled on a hotter glass tumbler, it breaks because किसके वजह से होता है, तो होता है गैस सडनली कॉन्ट्रैक्ट। हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन। ये देखिए आया ना, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, जो कि ओनली लिक्विड और गैस में रहता है ये। और जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर में जो हीट ट्रांसफर करेगा उसको एडवेक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये देखिए अब आ गया ना मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, उसमें था हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर तो एडवेक्शन हो जाएगा, इसमें मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट रेडियंट हीट, कौन सा डिवाइस डिटेक्ट करता है रेडिएंट हीट के लिए, तो हो जाएगा थर्मोपाइल। देखिए कुछ प्रोसेस है और उसके चेंजेस हैं, जैसे इवेपोरेशन, ये लिक्विड से गैस में बदलता है, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में बदलता है, फ्रीजिंग लिक्विड से सॉलिड में बदलता है, मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, ये याद रखिएगा ये सब चीज़ को। व्हाई वाइट क्लॉथ कीप यू कूलर एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लॉथ, तो सबको पता होगा कि जो ये दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट, और जो ब्लैक होता है वो सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये होगा हमारा आंसर सेकंड। द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट ये होगा जूल सेकंड, इसका क्या होता है इक्वल टू एच वी, जो कि एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और ई हमारा क्या एनर्जी है और वी हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो उस तरीके से अगर निकाले गए तो जूल सेकंड, ये याद रखिएगा इक्वल टू एच फ्रिक्वेंसी, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। व्हेन हॉट लिक्विड इज प्रोड्यूस्ड इनटू थिक ग्लास टम्बलर इट क्रैक बिकॉज, क्यों क्रैक हो जाता है, क्योंकि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो ओनली इनर सरफेस एक्सपैंड, इस वजह से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉर्मली रिलेटेड टू, ये तो सबको पता होगा बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो किस रिलेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रियल गैस की तरह एक्ट कब करेगा, जब वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में होगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर याद रखिएगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में होगा तब। साइकिल टायर बस्ट सडनली दिस रिप्रेजेंट एन, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये एडियाबेटिक प्रोसेस, गर्मी के वजह से टायर फट जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा तो। द वेवलेंथ एट विच द पीक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकर, क्या होगा, यह होगा डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ए ब्लैक बॉडी कैन ऑब्जर्व एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ, जो ब्लैक बॉडी होता है वो रेडिएशन कौन सा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ऑल वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लैक बॉडी जो है ऑल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। इन ए रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूस कूलिंग, क्या प्रोड्यूस करता है कूलिंग, तो सडन एक्सपेंशन ऑफ ए कंप्रेस्ड गैस, क्या होगा, द सडन एक्सपेंशन ऑफ ए कंप्रेस्ड गैस। आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज, गाँव सब में देखते होंगे जब भी चूल्हा जलता होगा तो नीचे में ब्लैक कलर से करके फिर उसको चूल्हा पे चढ़ाते हैं, तो किसकी वजह से, क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होता है वो गुड ऑब्जर्वर एब्जॉर्बर होता है हीट का।
विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर में इसमें कौन ट्रू नहीं है। तो ये देखिए सेवन जो बेसिक SI यूनिट होता है उसमें आता है टेम्परेचर 0°C इक्वल टू इतना हो जाता है केल्विन में, और ट्रू नहीं होगा क्योंकि ये मेजर सेल्सियस में नहीं होता है, किसमें होता है केल्विन में, तो इसमें सेल्सियस दिया हुआ है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है बहुत बार, तो कब होता है वो 4°C पे, ठीक है 4°C पे। व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड इट्स सराउंडिंग इज डबल द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विल बी, क्या होगा, ये भी डबल हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज 32°F, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, क्या होगा, ये हो जाएगा 0°C। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एफ माइनस 32/9 इक्वल टू C/5, याद रखिएगा। तो अगर 32° यहाँ रखेंगे फेरनहाइट की जगह तो 0 हो जाएगा, तो सी कितना 0°C पे 32°F मिलेगा हमें। द टेम्परेचर एट विच रिगार्डिंग ऑफ बोथ फेरनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल आर सेम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन से टेम्परेचर पे फेरनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल सेम हो जाता है, तो उस फॉर्मूला से आप लगाइएगा तो बन जाएगा, तो किस पे होगा -40 पे। द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट लुमिनस बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय, क्या होगा, किसे डिटरमाइंड करेंगे हम, तो हम करेंगे पायरोमीटर से, किससे, पायरोमीटर से। टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज, अगर हमको हाई टेम्परेचर यूज करना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। ऑन ए कोल्ड डे when the room temperature is 15°C, the metallic cap of a pan become much colder than its plastic body through both are at the same temperature of 15°C because, बताइए अब क्यों होगा ये, ऐसा क्या रीज़न है, तो ऐसा यही रीज़न है क्योंकि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, इस वजह से। 0K इज इक्वल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 0K इज इक्विवेलेंट टू 0 केल्विन पूछ रहा है ना कि डिग्री सेल्सियस, तो 0K किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है -273°C के, ठीक है -273°, और उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं, याद रखिएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर इज मेजर बाय, मिनिमम टेम्परेचर किससे मेजर करेंगे, मिनिमम पीछे तो था हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर, थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर, अगर मिनिमम टेम्परेचर मेजर करना है तो वो अल्कोहल थर्मोमीटर से मेजर होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन इज, क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन, यह है निगेटिव लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट वो होता है जो कि जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो, मतलब अगर हम ऊपर के एल्टीट्यूड के अगर एल्टीट्यूड में इंक्रीज करेंगे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, इसी को बोलते हैं लैप्स रेट। टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड, अगर हमें लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा इसमें, तो यह होगा एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइन एज अ टेम्परेचर, आ गया ना उसका बारे में, तो एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइन एज अ टेम्परेचर, क्या होगा, तो यह होगा एट विच ऑल मॉलिकुलर मोशन सीजेज, यह होगा। इन विच फॉर्म इज द सप्लाई हीट एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, बताइए क्या होगा हमारा आंसर, काइनेटिक एनर्जी। गैस थर्मामीटर आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज द गैसेस, क्यों, बिकॉज हैव लार्जर कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, इसी की वजह से गैस थर्मामीटर जो है मोर सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मामीटर से, क्योंकि हैव लार्जर कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। What change will happen to ball of ice and water capped at exactly 0°C? क्या होगा, ice melt हो जाएगा, water ice बन जाएगा कि change नहीं होगा, या कुछ ice melt होगा, तो क्या होगा, no change will happen।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट होता है वो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। अगर वो दोनों एक ही टेम्परेचर में रखा हुआ है आइस और वाटर, तो वहाँ कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए चेंज नहीं होगा वहाँ पे। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन ए स्टीम इंजन में भी हाई बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि देर इज हाई प्रेशर इन इनसाइड द बॉयलर। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, तो वह हमारा सीलिंग साइकोमीटर। देखिए व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन केल्विन में पूछ रहा है तो 273.16 होगा। देखिए पॉइंट में याद रखिएगा, 1.5 वाला नहीं होगा, क्या होगा, 1.6 वाला, 273.16 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर क्या होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। जो लेक फ्रीज इन कोल्ड कंट्री इन विंटर लीविंग द वाटर अंडर नेथ एट, क्या होगा हमारा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, इसी की वजह से। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, देखिए जब भी बॉइलिंग पॉइंट का बात आएगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर का बात हमेशा आएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे, तो यही पूछ रहा है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, क्यों घटते रहता है जब अगर हम ऊपर जाते रहते हैं, तो क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, तो इसी के वजह से, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रेशर के, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिखा होगा, यहाँ प्रेशर कर लीजिएगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Why cloud float in atmosphere? Cloud क्यों atmosphere में float करता है? क्योंकि because of low density. Soldering of two metal is possible due to the property of, कौन सा property है? तो क्या होगा? Cohesion. In extreme cold condition in cold country, water pipe get busted because on freezing water expand due to the contraction of water pipe due to high atmospheric pressure. All of these क्या होगा? बिकॉज ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड, इसी की वजह से। प्रेशर कुकर कुक फास्टर बिकॉज, क्यों, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, देखिए है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, इसी की वजह से। वाटर इज नॉट वेपोराइज इफ इफ ह्यूमिडिटी इज 100%, वेन हीटेड फ्रॉम 0 degree टू 100 degree centigrade, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ वाटर विल क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा तब इंक्रीज होगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4 degree centigrade पे जो है वाटर जो है बहुत मैक्सिमम डेंसिटी रिक्वायर करता है, ठीक है, तो मैक्सिमम डेंसिटी रिक्वायर करेगा, तो जीरो से हम लोग जा रहे हैं तो पहले डिक्रीज ना होगा, उसके जाके 4 पे एकदम सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर वहाँ से इंक्रीज होगा ये, ठीक है, तो इसीलिए डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज, 4 degree centigrade से इंक्रीज होगा वो आगे जाके। वेजिटेबल आर कुक्ड इन लेजर टाइम बाय एडिंग ए पिंच ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ये इंक्रीज कर देता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरी एज, देखिए किसके साथ वेरी करेगा ये वेरी करेगा हमें हमेशा प्रेशर के साथ, जैसे जैसे प्रेशर वेरी करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करेगा। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी, जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो उसका डेंसिटी क्या रहेगा, तो इसका डेंसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि 4 degree centigrade पे जो है मैक्सिमम डेंसिटी रिक्वायर करता है, तो इसी के साथ जो होगा ये डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्रीज 0 degree centigrade पे होगा तो उसे नीचे आएंगे तो वो डिक्रीज होगा। सुपर कूलिंग स्टैंड फॉर कूलिंग ऑफ ए लिक्विड क्या होगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन बिकॉज,
बिकॉज एज एट इट्स लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड फंगस बिकम नॉन रिएक्टिव, इसी की वजह से। क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू, किसे रिलेट करेगा क्रायोजेनिक साइंस? ये रिलेट होता है लो टेम्परेचर से, किससे? लो टेम्परेचर से, क्रायोजेनिक साइंस लो टेम्परेचर से। व्हाट डिटरमाइन द कलर ऑफ स्टार, ये हम लोग ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन देखे थे, तो क्या होगा? टेम्परेचर। जिन्होंने हमारा नहीं देखा है, हम लोगों ने ज्योग्राफी और बायोलॉजी की पूरी 800 प्लस क्वेश्चन उसमें हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप देखना होगा तो हमें प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग? इट डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द अबव, सब पे। नेचर ऑफ रेडिएटेड सरफेस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, और नेचर ऑफ रेडिएटेड सरफेस। ए कॉपर डिस्क एज ए होल, इफ द डिस्क इज हीटेड द साइज ऑफ होल क्या होगा? तो साइज ऑफ होल इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग हॉट वेदर द फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट, दिस इज बिकॉज आवर परसिपिराइजन इवापोरेट्स रैपिडली। ओशियन करेंट आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ओशियन करेंट? विंड और ओशियन करेंट एग्जाम्पल है किसका? कन्वेक्शन का, किसका? कन्वेक्शन का। ए सर्कुलर प्लेट, ए क्यूब एंड ए स्फीयर, ऑल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम मास आर हीटेड टू 3 degrees centigrade एंड लेफ्ट इन ए रूम, विच ऑफ देम विल हैव स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग? पढ़ते के साथ आप समझ गए होंगे क्या पूछना चाह रहा है। तो सबसे धीरे धीरे ठंडा कौन होगा ये तीनों मेटल में से? तो वो कौन होगा? हमारा स्फीयर होगा। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अचीव बाई यूजिंग, क्या होगा? तो ये तीनों में से तो आप होगा नहीं ऑप्शन में, तो क्या बच रहा है? ये तो थर्मोकपल। ऑन हीटिंग फ्रोजन फूड इन सील्ड पाउचेस इन माइक्रोवेव, व्हाई डू यू फर्स्ट पोक होल्स इन द पाउच? समझ में आ गया ना, क्यों उसमें होल करते हैं? इसीलिए क्योंकि टू प्रिवेंट स्टीम प्रेशर फ्रॉम बस्टिंग ओपन द पाउच, ठीक है। क्लाउडी नाइट आर वार्मर बिकॉज क्लाउड मेनली, बिकॉज रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय अर्थ। जो क्लियर, अगर क्लियर नाइट रहेगा तो वहाँ पे एक भी क्लाउड नहीं होगा, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा हीट, जो अर्थ जो रिफ्लेक्ट करेगा हीट को एटमोसफेयर में, तो वो उस टाइम उतना गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन जब क्लाउड रहता है और जो अर्थ जो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो सारा जाके हीट वो क्लाउड में जाके मर्ज हो जाता है, तो इसी की वजह से हमें क्लाउड नाइट में वार्म लगता है थोड़ा सा क्लियर नाइट के बजाय। क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय अर्थ। द वर्ड इंसोलेशन मीन्स, इंसोलेशन मीन्स क्या होगा? यह होगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन। द कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इवापोरेटिव कूलिंग पे। द एनर्जी डेट कैन हार्नेस हीट स्टोर बिलो द अर्थ सरफेस इज नाउन एज, देखिए एक डेफिनेशन पूछ लिया है, क्या होगा हमारा? जियोथर्मल एनर्जी। ए गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल ऑफ रेलवे ट्रैक टू एकोमोडेट डैश ऑफ द मेटल, क्या होगा हमारा आंसर इसका? इसका हो जाएगा हमारा लीनियर एक्सपेंशन। इन अ डीजल इंजन द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इग्नाइट द फ्यूल इज अचीव बाय कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर। मड हाउस आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउस, बिकॉज जो मिट्टी का घर होता है वो ठंडा रहता है गर्मी में और गर्म रहता है ठंड में। क्यों? क्योंकि जो मड होता है वो एक गुड इंसुलेटर होता है, इसी की वजह से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस होगा? तो ये होगा हमारा परसेंटेज के टर्म में। वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम कोल्ड बिकॉज,
इसीलिए क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है हीट का। और किस लिए होगा? द फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन? ये बेस्ड है हमारा ऑटो साइकिल पे। वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों यूज होता है कार रेडिएटर में? बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी की वजह से। हाउ मच मैकेनिकल वर्क मस्ट बी डन टू कम्प्लीटली मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या होगा? ये होगा हमारा 336 जूल। ये देखिए, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा ये क्वेश्चन। हीट स्टोर इन वाटर वेपर इज, क्या होगा हमारा? लेटेंट हीट। व्हाट हैपेंस टू अ लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब क्या होगा उस टाइम लिक्विड? तो लिक्विड जो होगा बॉयल करने लगेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, देखिए डिफिनेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनेशन क्या होगा? तो ये होगा हमारा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म हीट बजट? ये देखिए, ये टर्म हीट बजट के बारे में कौन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? तो हीट बजट क्या होता है नॉर्मली? ये होता है, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग हीट रेडिएशन। मतलब ये बैलेंस बना के रखता है हीट बजट। अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर बिकॉज, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर देन वाटर होता है। देखिए, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए ज़्यादा वोलाटाइल कौन होगा? अल्कोहल हमारा। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स इट्स, क्या होगा? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। व्हाई क्लियर नाइट आर कूलर देन द क्लाउडी नाइट, क्यों होता है? अभी पीछे हम लोग बात किए, तो किसके वजह से? रेडिएशन, जो रेडिएशन की वजह से। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो? तो सिंपल सा बात है, टेम्परेचर पे। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्करी थर्मामीटर इज, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है मर्करी थर्मामीटर का? तो यह है एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। एट वाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर, कौन से टेम्परेचर पर जो है वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में? तो वाटर वेपर के लिए हमारे याद है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो उसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। तो क्या हो जाएगा हमारे से? 273 तो नॉर्मल रहता है, इसमें प्लस 100 भी करेंगे ना, 373 केल्विन। क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज, डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन साइड ए मेटलर्जिकल फर्नेस? क्या होगा हमारा आंसर इसके लिए? हम लोग पीछे भी क्वेश्चन देख चुके हैं, तो क्या होगा? पायरोमीटर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, क्या है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में बदलेंगे तो 273.16 केल्विन। याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.16 केल्विन। सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज। देखिए, वो पूरा क्वेश्चन हीट और थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड था, और ये अब हमारे लाइट से क्वेश्चन, जो जो लाइट में क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड है ये। अब सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, किसके वजह से? देखिए, जो भी फेनोमेना होगा ना कलर से रिलेटेड, चाहे पानी में ब्लू कलर हो, आसमान का नीला कलर हो,
ये सूरज का सनसेट का कलर हो, क्यों रेड दिखाया जाता है, वो सब के सब होता है स्कैटरिंग की वजह से, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग, जहाँ आपको वर्ड दिखेगा उसी में होगा स्कैटरिंग की वजह से। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, हमारा होगा कि द फैक्ट डेट ऑल अदर कलर स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड। ठीक है, क्यों नहीं एक्सेप्ट, ये होता है क्योंकि जो रेड होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वो स्कैटर लिस्ट करेगा, इसीलिए क्योंकि वो उतना स्कैटर नहीं कर पाता है इस वजह से। द कलर ऑफ द ओशियन अपीयर्स टू बी ब्लू, ये देखिए ना, कलर ऑफ ओशियन ब्लू पूछ रहा है तो किसकी वजह से होगा, ये कोई भी कलर हो, चाहे आसमान का हो, पानी का हो, कलर का बात कर रहा है तो किसकी वजह से होगा, स्कैटर्ड की वजह से। किसकी वजह से, स्कैटर्ड की वजह से। इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमोसफियर स्काई वुड अपीयर, क्या दिखेगा स्काई हमारा, वो दिखेगा ब्लैक, विच इज द फेनोमेनन विच स्टेबलाइज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट कौन स्टेबलाइज करता है, कौन सा फेनोमेना, तो होता है पोलराइजेशन। ठीक है, रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट, इसमें देखिए हम लोग इसमें दो ही ऑप्शन लिए हैं इसमें, क्योंकि आपको याद करना है अच्छे से क्यों होता है, तो होता है इंसिडेंट ऑन रेन ड्रॉप हैंगिंग इन द एटमोस्फेरिक इज डिस्पर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके वजह से फॉर्म होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कलर ऑफ लाइट डिविएट लिस्ट थ्रू द प्रिज्म, कौन सबसे लिस्ट डिविएट होगा प्रिज्म में, तो वो होगा हमारा रेड, क्योंकि रेड जिसका जो होता है ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये डिविएट लिस्ट करेगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्मॉलर द वेवलेंथ द लार्जर विल बी द डेविएशन, एज द रेड लाइट हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ इट डिविएट लिस्ट। देखिए ये क्वेश्चन तीन बार पूछा गया इस पैटर्न में, ठीक है, इस ऑप्शन के साथ, तो इस ऑप्शन के साथ अगर हमको मारा जाए आंसर तो क्या होगा, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, तो ये होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। विच ऑफ दिस वेव कैन बी पोलराइज्ड, कौन सा वेव इसमें से पोलराइज्ड है, तो वो है हमारा लाइट वेव। द स्काई अपीयर्स ब्लू, देखिए आ गया ना, स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों दिख रहा है, तो वो होता है स्कैटरिंग वजह से, लेकिन कौन से स्कैटरिंग वजह से, तो होता है रेले स्कैटरिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज ड्यू टू डिस्पर्जन। लाइट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन, कौन से सॉल्यूशन में होगा, तो वो होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। विच ऑफ द, देखो रेनबो से किस किस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा बताइए, तो ये होगा हमारा द सन रिमेन्स बिहाइंड एज वी एज एंड वी फेस रेन ड्रॉप। ए सोप बबल सो कलर When illuminated with white light, this is due to, किसके वजह से यह होता है, तो यह होता है हमारा interference के वजह से। The rainbow has violet light as its innermost color towards earth, its curvature bent towards earth, red light as its outermost color towards sky, red light as its innermost color towards earth, क्या होगा आंसर हमारा, क्योंकि रेड लाइट जो है डेविएट लिस्ट करता है, तो इसीलिए ये हमारा आउटर मोस्ट प्लेस में होगा, और वायलेट जो है ये मिनिमम वेवलेंथ का और ये स्कैटर मोस्ट करेगा, तो ये हमारा इनर मोस्ट में होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वायलेट लाइट इज इनर मोस्ट कलर टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो कैसे होगा ये, विव जियोर इधर से जाएगा इस तरीके से, ऑन रेनी डे स्मॉल ऑयली फिल्म्स ऑन वाटर सो ब्रिलियंट कलर, दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, यह होगा इंटरफेरेंस की वजह से। एन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस रिफ्लेक्ट ए बीम ऑफ लाइट, कौन से डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा ये, यह होगा एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री, कौन होगा तो हमारा,
तो ये होगा हमारा जो लैंड कवर होगा स्नो के से विथ फ्रेश स्नो। पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज टू, क्या पर्पस होगा? ये होगा ट्रांसमिट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। द फेनोमेनन विच काउज मिराज, कौन से फेनोमेनन से मिराज बनता है? तो बनता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये वाटर से ग्लास। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, डेंसर टू रेयर मीडियम में, ठीक है। एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट इज, क्या होगा उसका? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एंगल। विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, कौन सा फेनोमेना यूज होता है? तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट काउज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कौन सा काउज नहीं होता है इसमें से? तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही देखा था कि सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट, ये होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से। और देखिए ये तीनों का तीनों जो है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही मकसद था, ये तीनों आप याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके वजह से होता है, तो होता है रिफ्रैक्शन के वजह से। तो क्या होगा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट, सन अपेयरिंग हायर इन द स्काई देन इट एक्चुअली इज, सन बिकमिंग विजिबल टू और मोर थ्री मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, ये सब जो है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द रीजन फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर्स लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज, किसके वजह से होता है ये? तो रिफ्रैक्शन की वजह से। ए प्लेन ग्लास स्लैब इज कैप्ड ओवर कलर लेटर विच अपियर लीस्ट रेज इज, कौन सा अपियर सबसे लीस्ट होगा? तो वो होगा हमारा वायलेट। क्यों? क्योंकि जो वायलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो इसका अपेरेंट डेप्थ होगा वो मिनिमम होगा, और अपेरेंट डेप्थ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इसका फॉर्मूला यह होता है रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे लीस्ट कौन होगा? तो वायलेट होगा। लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस किससे बना रहता है? तो बना रहता है फ्लिंट ग्लास से, जिसमें 60% लीड ऑक्साइड रहता है। याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, फ्लिंट ग्लास नहीं देखे आपको लीड ऑक्साइड दे देगा ऑप्शन में, तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो लीड ऑक्साइड फॉर ए पर्सन हैविंग माइट्रोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, द नियर पॉइंट इज, कितना नियर पॉइंट रहना चाहिए? तो हाइपर माइट्रोपिया के लिए ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए, क्योंकि ये दूर का चीज़ देख पाते हैं पास का नहीं, और मायोपिया में पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है। द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर इज, कौन सा मिरर यूज करते हैं ईएनटी डॉक्टर? यूज करते हैं कनकेव, इन लार्ज इमेज के लिए। वैकिल यूज डैश टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ये तो सबको पता होगा बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बताइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? वैसा माइक्रोस्कोप उज लेंस आर कन्वेक्स, ठीक है। पर्सन सफरिंग मायोपिया आर एडवाइज टू यूज, जो मायोपिया से सफर कर रहा है उसको कौन सा लेंस दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कनकेव लेंस, अगर हाइपरमेट्रोपिया से कहे तो कन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली, मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली क्या होता है? कुछ भी बड़ा चीज़ अगर हमको देखना है तो कौन सा लेंस उसमें लगेगा तभी हम लोग देख पाएंगे? तो है वो कन्वेक्स लेंस। विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स, तो कौन सा होता है हमारा? कनकेव मिरर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर मैग्नीफाइड देन लाइट मैग्नीफाइंग बिकॉज, क्यों? क्योंकि मोर पावरफुल लेंसेस आर यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें बहुत ज़्यादा पावर का लेंस यूज होता है इसीलिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए पेरीस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पेरीस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे वर्क, कौन से प्रिंसिपल से वर्क होता है? तो ये होता है रिफ्लेक्शन से, कौन से रिफ्लेक्शन से? इन मिरर द बैक सरफेस इज पेंटेड विथ थिन लेयर ऑफ,
मिरर के पीछे किस चीज़ से हम पेंट करते हैं, तो करते हैं सिल्वर से। सिल्वर से पेंट करने में जो इमेज होगा वो अच्छा दिखाई देगा, साफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट वाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर, तो कौन स्प्लिट करता है, हम लोग पीछे भी पढ़े थे किससे स्प्लिट होता है ये, तो किससे होगा, ये प्रिज्म से होगा, जो कि डिस्पर्जन बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्पेक्टल्स यूज फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स हैव, कौन सा स्पेक्टल्स यूज होता है 3D फिल्म में, तो होता है हमारा पोलाराइड्स। ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज, कनकेव लेंस कौन सा इमेज हमेशा फॉर्म करेगा, तो फॉर्म करेगा हमारा वर्चुअल और इरेक्ट, याद रखिएगा इसको, कौन सा वर्चुअल और इरेक्ट, कनकेव लेंस, तो और उसके बाद कन्वेक्स मिरर भी यही फॉर्म करता है। वन कैन डिस्टिंग्विश टेलीस्कोप फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप बाय ऑब्जर्विंग, देखिए टेलीस्कोप हैज लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड माइक्रोस्कोप हैज लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, तो क्या का अंतर रहता है ये दोनों में, तो अंतर रहता है साइज ऑफ लेंस का। टू गेट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज मिरर इज कॉल्ड, देखिए मैग्नीफाइड किसमें दिखेगा, कौन से मिरर में हम लोगों को, तो वो दिखेगा कनकेव मिरर में। द इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक मिरर लेग्स अपियर एज ऑफ सेम साइज बट हेड एंड हिज बॉडी अपियर स्मॉलर देन इट्स रियल साइज। व्हेन पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, अभी तक तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होंगे, तो कौन से मिरर में होता है इस तरह का नेचर। तो हमारा होता है कन्वेक्स और प्लेन में। व्हाट इज जूम लेंस, जूम लेंस क्या है, यह है ए लेंस विथ ए ट्रांजिशनल फोकल लेंथ, क्या है, ए लेंस विथ ए ट्रांजिशनल फोकल लेंथ। रेडियो टेलीस्कोप आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप बिकॉज, क्यों बेटर है रेडियो टेलीस्कोप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से, इसलिए बेटर है क्योंकि दे कैन डिटेक्ट फेंट गैलेक्सी विच कैन नॉट बी डन बाय ऑप्टिकल टेलीस्कोप, दे कैन इवन वर्क इन क्लाउडी कंडीशन, दे कैन वर्क ड्यूरिंग डे एंड नाइट, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारे, ये सब के लिए जरूरी है ये, इसीलिए। टू एलिमिनेट द ग्लेयर ऑफ हेडलाइट इन मोटर कार क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं पोलराइड्स आर यूज। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द आई डेट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर इज, बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर टू। पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कलर ब्लाइंडनेस से जो आदमी परेशान रहता है तो वो कौन से दो कलर के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो होता है हमारा रेड एंड ग्रीन। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, तो सबको पता होगा, तो क्या है लीस्ट डिस्टेंस, ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज लिटिल आउट ऑफ फोकस इन द कंडीशन, बताइए क्या होगा, मायोपिया, ये दूर का चीज नहीं देख पाता है, सिर्फ पास का देख पाता है, और ये कनकेव लेंस से ठीक होता है क्योंकि जो इसका इमेज है वो रेटिना के आगे बनता है, ये भी याद रखिएगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड द रेटिना बनता है, इसीलिए इसमें कनकेव यूज करते हैं क्योंकि वो डाइवर्ज होके इमेज फॉर्म रेटिना पे करेगा। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन द, किसमें मैक्सिमम रहेगा सेंसिटिविटी ह्यूमन आई का, ये रहेगा ग्रीन रीजन में, किसमें, ग्रीन रीजन में। द पार्ट ऑफ द आई हैविंग लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, कौन सा पार्ट है हमारे आँख का जिसका सबसे लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, तो सिंपल सा बात है, लेंस रहता है हमारे आँख में, तो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा रहेगा। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, देखिए आ गया वो क्वेश्चन, तो किससे यूज, किससे क्रिएट होता है, ये होता है कन्वेक्स लेंस से। द फाइनल इमेज इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज,
देखिए, पहले माइक्रोस्कोप का बात आया तो उसमें मैग्नीफाइड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बताना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज कौन सा बनता है, तो वो बनता है वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। क्या बनता है? वर्चुअल मैग्नीफाइड और इरेक्ट बनता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है, वर्चुअल मैग्नीफाइड और इरेक्ट। द आउल कैन सी मोस्ट क्लियरली इन टोटल डार्कनेस बिकॉज, क्यों उल्लू रात में देख पाता है? क्योंकि इट हैज़ लार्ज आई, उसका आँख भी बड़ा रहता है, विथ रॉस डायरेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट बाइनोकुलर साइट, इसके वजह से। द स्काई अपीयर्स टू एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखेगा? वो दिखेगा ब्लैक। कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग बाय द लेंस। कलर ब्लाइंडनेस कौन से लेंस से ठीक हो सकता है? ये किसी भी लेंस से ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कलर पहचानने में दिक्कत होता है। रेड का ग्रीन हो जाता है, ग्रीन का रेड हो जाता है, तो किसी चीज़ से ठीक नहीं होता है, तो ये नन ऑफ दिस हो जाएगा, किसी कोई लेंस से इसको ठीक नहीं हो सकता है ये। प्रोटेनोपिया इज अ काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन विच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट कांट सी द कलर। देखिए, ऐसे तो रेड और ग्रीन में इन लोग को दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पर रेड भी है, ग्रीन भी है और ब्लू भी है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो ब्लू भी में भी इसको दिक्कत होती है, जो हमारा तीन प्राइमरी कलर है रेड ग्रीन ब्लू, वो तीनों अच्छे से इसको नहीं दिखता है। द प्लेट ऑफ ब्लू ग्लास अपीयर्स ब्लू इन सनलाइट बिकॉज, क्यों दिखता है? क्योंकि इट ट्रांसमिट द ब्लू लाइट, सिंपल। फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्वांटम, तो सिंपल सा, फोटोन से, फोटो से आपको पता चल जाएगा लाइट। लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, जो हाईली डायरेक्शनल रहता है, तो क्या रहेगा? इरेजर रहेगा, लेजर रहेगा, मेजर रहेगा, रेजर रहेगा, तो क्या रहेगा हमारा? हो जाएगा लेजर। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा सिनेमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट, तो क्या हो जाएगा? परसिस्टेंस ऑफ विजन। सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोलर सेल कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है? तो होता हमारा फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? ये हमारा डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। देखिए, द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर, कौन सा है प्राइमरी कलर हमारे फोटोग्राफी में, क्या कौन कौन सा है? तो है रेड, ब्लू और ग्रीन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सी आर टी, सीआरटी का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें से कौन नहीं है हमारा कैथोड रे ट्यूब का पार्ट? तो ये हमारा गैस प्लाज्मा नहीं है। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, किसमें ट्रेवल करेगा लाइट सबसे ज़्यादा? देखिए, किसमें करेगा ये? देखिए, लाइट क्या होता है? एक ट्रांसवर्स वेव है ये, ठीक है, तो ये फास्ट करेगा वैक्यूम में। हु इन्वेंटेड लेजर, लेजर कौन इन्वेंट किया है? तो इन्वेंट किए हैं गॉर्डन गोल्ड ने। हु इन्वेंटेड एलईडी, देखिए एलईडी को इन्वेंट किया है अब, तो ये कौन किया है? ये किए हैं निक होलोनैक ने। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशियन इज कॉल्ड, यह क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी था हम लोग के, जो सीरीज था ज्योग्राफी में, तो क्या होगा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो मेजर करता है साइनोमीटर। ल्यूमेन इज ए यूनिट ऑफ, ल्यूमेन किसका यूनिट है? देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेन, किसका? ल्यूमेन फ्लक्स का। एटॉमिक क्लॉक ट्रांजिशन डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा ये? डिपेंड करेगा कैल्शियम में। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए मेटल व्हेन,
when light of suitable wavelength fall on it. Which of the following gas is used in the yellowish lamp used as street light? कौन सा गैस होता है ये? ये होता है हमारा सोडियम गैस. कौन सा गैस? सोडियम. Who invented the optical fiber? ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर को इन्वेंट किया था, ये किए थे नरेंद्र कपानी ने. सर सीवी रमन, देखिए सीवी रमन को भारत रत्न मिला था, ये नोबेल प्राइज मिला था कौन से एक्सपेरिमेंट में? तो ये हमारा किस इसका एक्सपेरिमेंट के लिए? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, रमन इफेक्ट जिसको बोला जाता है. देखिए लाइट वेव सर, लाइट वेव क्या है हमारा? लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. हु मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट? वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे पहले कौन मेजर किए थे? तो मेजर किए थे रोमर. विच कलर इज द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ येल्लो? कौन है कंप्लीमेंट्री कलर येल्लो का? देखिए इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे येल्लो है, येल्लो में एल आपको दिख रहा होगा, और कोई ऐसा कलर नहीं है जिसमें आपको सातों कलर में आपको एल एक वॉलेट है, तो वो कभी हो नहीं सकता. ठीक है, ये याद रखिएगा. तो येल्लो है तो येल्लो तो क्या हो जाएगा? ब्लू. कंप्लीमेंट्री से कौन होगा? ब्लू, क्योंकि इसी में एक एल दिख रहा है. एक याद करने का एक तरीका है, बस उस तरीके से, बस वैसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इससे एक मन में आपका बैठे रहेगा दिमाग में. एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट इज क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज इन्वॉल्व इन क्लेडोस्कोप? ये देखिए एक पेरीस्कोप या क्लेडोस्कोप, दोनों में कौन सा फिनोमेना यूज होता है? एक ही फिनोमेना यूज होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड? ये लोग तो अब बचपन से पढ़ रहे होंगे ये सारी क्वेश्चन. तो कितना इमेज फॉर्म्ड होगा? इन्फिनाइट. हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर? कौन इन्वेंट किए थे फर्स्ट स्प्रे वर्किंग लेजर? तो किए थे टीएच मेमन ने. कौन? टीएच मेमन ने लेजर को इन्वेंट किए थे. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस अराउंड अ कॉर्नर और ए स्लिट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन. व्हाट इज द रीजन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट? क्या रीजन है मिराज फॉर्म होने का? पीछे भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो क्या रीजन है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड? ये देखिए कुछ चीजें जो आपको याद करना ही पड़ेगा. तो जब हम रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर फॉर्म होगा? देखिए लाइट ब्लू हो नहीं सकता, व्हाइट हो नहीं सकता, ग्रे हो नहीं सकता, तो येल्लो होगा हमारा. कौन होगा? येल्लो. ठीक है, विच फेनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? तो कौन सा करता है? सिंपल सा बात है, तो पोलराइजेशन. लाइट का बात आया तो पोलराइजेशन. नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पूछ रहा है ना. हाँ, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स्ड? देखिए उसमें क्या था, रेड एंड ग्रीन मिक्स था तो येल्लो फॉर्म हो रहा था, और इसमें ब्लू और ग्रीन मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? सियान. ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब चीज़, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको. ब्लू और ग्रीन को मिक्स करने पे ये फॉर्म होता है. एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर डेट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड? तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज. द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परजिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट डैश ऑफ ए सेकेंड? कितने सेकंड तक हमारे रेटिना पे वो रहता है? तो 1/16 ऑफ सेकंड. ये देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में दो से तीन बार पूछा ये क्वेश्चन. तो 1/16 इमेज.
एन इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड, बताइए कनकेव मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करेगा? तो वो रियल इमेज फॉर्म करेगा। द रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज, तो कौन सा इन्वर्जन होता है इसमें से? बताइए, तो होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा आपको। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर आर एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? ये हमारा स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल है। देखिए सारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए किस किस लेवल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज, क्यों होता है इसका, क्या रीजन है? इसका रीजन है कि लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर। देखिए वो सारा क्वेश्चन था हमारा लाइट से, और ये सारा क्वेश्चन अब आएगा हमारा साउंड चैप्टर से, जितना साउंड में पूछा गया है। तो क्या है पहला क्वेश्चन? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज, क्योंकि मॉइस्ट एयर हैज लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर। द यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज, क्या यूनिट नॉइज पॉल्यूशन का? तुम्हारा क्या है? डेसीबल। द परमिसिबल नॉइज लेवल एट रेसिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम इज, कितना रहना चाहिए, कितना रहता है? तो रहता है 55 डेसिबल और नाइट टाइम में 45 डेसिबल। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज, कितना रेंज रहता है? तो रहता है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहेगा, ठीक है? और 20,000 हर्ट्ज रहेगा तो वो रहेगा ऑडिबल साउंड, जो कि हम लोग के लिए है, और 20 हर्ट्ज से नीचे रहा तो वो रहेगा इंफ्रासोनिक वेव। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रिक्वेंसी रेंज ह्यूमन ईयर फील्स द सेंसिटिविटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड, तो कौन से बीच में? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ये किलो नहीं होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और अगर अल्ट्रासोनिक पूछेगा तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहना चाहिए, अगर इंफ्रासोनिक रहे तो 20 हर्ट्ज से नीचे रहना चाहिए। देखिए द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव इज 25:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 25:9 है तो 5:3 हो जाएगा। सुपरसोनिक एयरप्लेन क्रिएट ए शॉक वेव कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सोनिक बूम। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके याद कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड पे कौन इफेक्ट नहीं करता है? देखिए टेम्परेचर से ये वेरी करता है, ह्यूमिडिटी से वेरी करता है, डेंसिटी से वेरी करता है, जो प्रेशर होता है प्रेशर से इसको कोई मतलब नहीं रहता है साउंड को, ठीक है? तो प्रेशर हमारा आंसर हो जाएगा। साउंड कैन नॉट पास थ्रू, किसके थ्रू पास नहीं होगा? तो वैक्यूम के थ्रू। पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, देखिए पिच ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर इन एटमोसफेयर, बताइए। साउंड वेव जो है चेंज हो जाता है टेम्परेचर के चेंज के साथ, तो कौन सा करेक्टर चेंज हो जाता है? तो होता है फ्रीक्वेंसी। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन टेबल ए लाउड साउंड इज हियर, दिस इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है ये? तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से। साउंड वेव्स डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ, कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करता है साउंड वेव? तो देखो प्रोडेशन किसके लिए होता है, ये ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है जो कि लाइट वेव में आता है, तो प्रोडेशन नहीं होगा साउंड वेव में, ये सारा का सारा होगा। देखिए याद, ये भी याद करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ये साउंड वेव में एग्जिबिट करता है। साउंड वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस बिकॉज, देखिए क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है? बिकॉज दे आर, क्या है ये,
क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसी की वजह से, और लाइट वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव, जो कि प्रोडाइजेशन करता है, प्रोडाइज होता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है डेंसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ गैस पे। व्हेन वी हियर ए साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम द ओवरटोन प्रेजेंट इन द साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन इसमें डिफरेंट दिख रहा है आपको अदर्स से, देखो ये तीनों एक कैटेगरी में आ जाता है, तो क्यों दिख रहा है, साउंड वेव, ये सारा का सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, लाइट वेव को ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। क्वालिटी इज डैट सेंसेशन ऑफ साउंड विच इज फेल्ट बाय आवर ईयर्स बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ वेव फॉर्म ऑफ साउंड वेव। बीट अकर बिकॉज ऑफ, किसके वजह से बीट अकर होता है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस के वजह से, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड होता है लाउडनेस ऑफ साउंड, वो डिपेंड होता है हमारे एम्पलीट्यूड पे, किस पे, एम्पलीट्यूड पे। साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन डेट ऑफ ऑडिबल साउंड आर कॉल्ड, क्या होगा, इंफ्रासोनिक वेव। जो इंफ्रासोनिक वेव का जो होता है ये ग्रेटर वेवलेंथ होता है ऑडिबल साउंड से, तो इसीलिए इंफ्रासोनिक साउंड जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। इफ ए साउंड ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी डेट रिमेन अनचेंज इज, अगर हम एयर से वाटर में जाएंगे तो क्या चेंज नहीं होगा, तो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होता है किसी मीडियम में जाने के बाद। अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी डिटेक्टेड बाय, किसे डिटेक्ट किया जाता है, तो किया जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड से, द वेव यूज्ड इन सोनोग्राफी आर, कौन सा वेव सोनोग्राफी में यूज होता है, तो हमारा होता है अल्ट्रासोनिक वेव, देखिए सोनिक सोनो उस तरीके से याद कर सकते हैं। इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू, इको किससे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये होता है इको प्रिंसिपल पे, और इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, कौन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसमें, तो होता है सोनोमीटर। स्पीड ऑफ साउंड गैस इज प्रोपोर्शनल टू, किसका होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। द डॉपलर इफेक्ट इज अप्लीकेबल टू, डॉपलर इफेक्ट किसके लिए अप्लीकेबल होता है, ये दोनों के लिए होता है, लाइट वेव के लिए भी साउंड वेव के लिए, तो बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, तो कौन सुन सकता है, तो वो है बैट, चमगादड़। सबमर्ज ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड यूजिंग, किसके वजह से हम लोग पता कर पाते हैं, तो सोनार की वजह से, जो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ, बताइए, लोग पीछे भी ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे, तो क्या होगा, प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है साउंड, इतना बस ध्यान रखिएगा कि प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, तो प्रेशर कितना भी रहे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है डज नॉट चेंज नहीं होगा। देखिए डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डेंसिटी और मॉइस्चर, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे, मॉइस्चर पे, साउंड का बस एक ही यही तीन आपको याद रखना है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज क्या होगा,
यह होगा डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, और इसी का ये उल्टा होता है, ठीक है। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये चाहे डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा साउंड भी इंक्रीज होते रहेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा साउंड भी डिक्रीज होगा। द डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन कन्वर्ट करता है वो है हमारा माइक्रोफोन। द ऑर्डिनरी एंड मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बीइंग, ये देखिए ऑर्डिनरी कितना होना चाहिए 60 डेसिबल और मैक्सिमम 80 डेसिबल तक होना चाहिए। साउंड इज हियर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस और रेनी डे बिकॉज, क्यों? बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन, बताइए क्या होगा? ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव। विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव, साउंड वेव से इसमें आपको कौन एसोसिएट नहीं लग रहा है? देखिए हर्ट्ज करता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है, डेसिबल करता है, मैक करता है, लेकिन कैंडेला जो है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का देखिए ऐसा यूनिट है। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना ल्यूमन, तो ल्यूमन किसका था? ल्यूमिनस फ्लक्स का, और कैंडेला जो है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। ए बम एक्सप्लोड ऑन द मून, यू विल हियर इट साउंड ऑन द अर्थ आफ्टर, तो चांद पर अगर हम कुछ भी आवाज़ करेंगे तो वहाँ पूरा वैक्यूम रहता है, वहाँ किसी का आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं देता है। चांद पर कोई एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन सकता है, तो यू कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन। बैट कैन सेंस ऑब्स्टिकल्स बिकॉज दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है क्वालिटी म्यूजिकल नोट? तो ये हार्मोनिक प्रेजेंट पर रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, देखिए हाइड्रो है तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, वाटर से रिलेटेड कुछ होगा, तो साउंड अंडर वाटर। द एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के सीजीएल के एग्जाम में, द एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितने क्या होगा? ऐसे जो डेसिबल होता है, लेकिन डेसिबल ना दे के आपको दे देगा इस तरीके से, तो क्या होगा आंसर फिर? तो हो जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर। ओमेन हैव श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से, क्योंकि श्रिलनेस ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, तो वॉइस इज श्रिल बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, देखिए तीनों में से तो नहीं लग रहा है, तो सोनोमीटर हो जाएगा। यह होता है हमारा ब्लड प्रेशर नापने के लिए। इन फ्लूइड मैकेनिक्स मैक नंबर इज वन इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, कब होगा मैक नंबर वन? जब स्पीड ऑफ साउंड इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, कितना मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए? तो रहना चाहिए कितना? 17 मीटर। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 प्लस क्वेश्चन पार्ट वन और पार्ट टू मिला के, और कल हम लोग पूरी की पूरी फिजिक्स को ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, तब तक हम देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।